हाय एवरीवन, दिव्या पंडित हियर। तो कैसे हैं आप लोग? आप लोग की रिक्वेस्ट पे मैंने ये वीडियो बनाया है आज इनफर्टिलिटी पे, जिन लोगों को बच्चा होने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। ठीक है, जो कमेंट्स में आपने लिखा था मैम प्लीज़ मेक अ वीडियो ऑन दिस, तो मैंने सोचा चलो बनाती हूँ, मेरे फॉलोअर्स की डिमांड है। और भी मैं क्या क्या वीडियो बनाऊँ प्लीज़ मुझे बता देना, क्योंकि आप लोग के सजेशन में ज़रूर पड़ती हूँ। ठीक है, तो इनफर्टिलिटी बहुत सारे लोग सफ़र कर रहे हैं। आजकल की जो लाइफस्टाइल है वही बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। विमेन जो हैं, औरतें जो हैं, वो सफ़र कर रही हैं पीसीओएस, पीसीओडी, हार्मोनल इश्यूज, मेन स्ट्रेस लेवल्स हाई हैं, कॉम्पिटिटिव ज़माना है, बहुत कुछ होता है जिसकी वजह से हम कंसीव नहीं कर पाते। पर मेन इश्यूज़ क्या हैं? मेन इश्यूज़ ये हैं, इमोशनल इश्यूज़ हैं, हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप, मदर इन लॉ का रिलेशनशिप, फैमिली प्रेशर डाल रही है बच्चा पैदा करो, लोग जेलस भी हो रहे हैं हस्बैंड को बच्चा चाहिए नहीं चाहिए, आपको बच्चा चाहिए नहीं चाहिए, आप डिसाइडेड नहीं हो। आप कई बार हमारे जो पास्ट लाइफ या पास्ट कर्मास भी हमारे वूम में ब्लॉक हो जाते हैं, इसलिए हमारी वूम ब्लॉक हो जाती है जिसकी वजह से कंसीव नहीं कर पाते हम लोग। बहुत सारे इश्यूज हैं, राइट? कितने सारे इश्यूज जो हम फेस करते हैं ना चाइल्डहुड, जिसकी वजह से हमारे सबकॉन्शियस लेवल में ऐसी चीज़ें बैठ जाती हैं कि हमको बच्चा नहीं चाहिए होता। जब होता है तो फिर हमको समझ नहीं आता हम उसको क्या करें। एक क्लाइंट थी मेरी जिसने आईवीएफ करवाया, सब करवाया, शी कुडंट कंसीव। जब मैंने उसका सबकॉन्शियस चेक किया तो बच्चा उसको चाहिए ही नहीं था। वो कह रही थी इसके सबकॉन्शियस लेवल पे, मुझे मेरी फ्रीडम नहीं छोड़नी है पर मुझे बच्चा चाहिए सिर्फ मेरे हस्बैंड के लिए। और रॉन्ग थॉट होगा तो आपको बच्चा भी नहीं होगा, आप कंसीव भी नहीं कर पाओगे। हमेशा पेरेंट्स तब बनिए जब आपको दिल से लगता है कि आप उस चीज़ को अप्रिशिएट कर सकते हो। अपना ट्रॉमा रिलीज करके, अपने आप को हील करके ही आप अपना आगे जाके पेरेंट्स बनोगे, अच्छे पेरेंट्स बनोगे, राइट? रीजंस हमेशा राइट होने चाहिए टू हैव अ चाइल्ड, बिकॉज नॉर्मली ऐसी इन लॉज के लिए, दुनिया के लिए, अकेले ना रह जाएं उसके लिए बच्चे नॉर्मली लोग पैदा करते हैं। ठीक है, जो तो मेरा पहला उपाय है वो है फर्टिलिटी पाउच का। फर्टिलिटी पाउच जो आपको बनाना है, खसखस लेना है, मस्क ऑयल मिलता है अमेजोन पे, मस्क ऑयल, रोज ऑयल और सिनेमन स्टिक, ये तीन चार चीज़ें लेनी है आपको। सिनेमन स्टिक डालिए, खसखस डालिए, मस्क ऑयल डालिए और रोज ऑयल डालिए, और एक पाउच बना दीजिए पिंक और रेड कलर का, ठीक है, या पिंक या रेड, दो पाउच बनाइए, एक अपने लिए एक अपने पार्टनर के लिए। ठीक है, वो दो पाउच आपको अपने अपने बेडरूम के पिलोज के नीचे रखना है। ये पाउच आपको पहले बनाना है जस्ट बिफोर हैविंग सेक्स, बिकॉज दैट इज वेयर यू गोइंग टू हैव अ चाइल्ड, राइट? वो पाउच आपको पिलो के नीचे रखना है और उसके बाद आपको प्रोसीड विथ व्हाट यू हैव टू डू। रूम का एटमॉस्फेयर अच्छा बनाइए, कोई अच्छी सेंस लगाइए, कोई अच्छा सा म्यूजिक लगाइए, तो ये पाउचेस बना के पिलो के नीचे रखिए, इट्स वेरी वेरी इफेक्टिव। उससे क्या होता है, ऑल दीज थिंग्स से थोड़ा इमोशंस के जो ब्लॉक्स होते हैं ना वो रिलीज होते हैं। ठीक है, जो सेकेंड उपाय है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट उपाय, विच इज मंत्र, सनातन गोपाल मंत्र, जो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। ये मेल फीमेल कोई भी कर सकता है। ठीक है, जो हाउस वाइफ में घर में रह रही हैं वो दिया जला के मंदिर के सामने बैठ करके ये मंत्र बोल सकती हैं। ठीक है, जिनको टाइम है वो करे, जिनको टाइम नहीं है फिर वो दूसरा उपाय ऑप्शन है। ठीक है, ये मंत्र है, ओम श्री कृष्ण रुक्मिणी गोविंदाय माधवाय वासुदेवाय मम सनातन देही स्वाहा। ये मैं डालूंगी डिस्क्रिप्शन में। ये 108 टाइम्स आप बोलिए एवरी डे जब तक आप कंसीव नहीं करते हो। ठीक है, ये मंत्र बोल के आप इंटेंशन भी रखना है मंत्र बोलते समय कि आपको क्या चाहिए। बहुत स्ट्रांगली आपको करना है ये एवरी डे। मेल भी कर सकते हैं, फीमेल दोनों करेंगे तो और अच्छा है, क्योंकि दोनों की तरफ से जो भी ब्लॉक्स हो जाएंगे वो खुल जाएंगे। ठीक है, जो तीसरा उपाय है वो है अमावस के दिन पीपल के पेड़ के नीचे आपको सरसों के तेल का दिया जलाना है और कहना है कि जो भी मेरी प्रॉब्लम्स इश्यूज, जो भी जिसकी वजह से मैं कंसीव नहीं कर पा रही हूँ, वो निकल जाए एवरी अमावस। आप बोलोगे कितने अवार, जब तक करो तब तक आप कंसीव नहीं करते हो। ठीक है, जो नेक्स्ट उपाय है
वो बहुत इफेक्टिव है, बताती हूँ क्यों। क्योंकि मेरी एक बहुत पहले क्लाइंट थी चंडीगढ़ में, जिसको मैंने ये एग दिया था, ये क्रिस्टल का मूनस्टोन का एग आता है जो आपको ऑनलाइन या किसी भी क्रिस्टल वाले के पास मिलेगा। आप वो एग खरीदिए, उस एग को स्ट्रॉन्ग इंटेंशन डाल के अपने बेड साइड पर रखिए, रोज रात को एग को अपने वूम चक्रा पे रखिए बिलो द नेवल विद अ इंटेंशन ऑफ हैविंग अ चाइल्ड। मैंने उस लेडी को, तब उन दिनों में क्रिस्टल भी बेचती थी, अब नहीं बेचती हूँ, वो लेडी को वो क्रिस्टल भेजा था मैंने, और आई टेल यू इन फ्यू मंथ्स शी कंसीव्ड एंड शी वाज सो हैप्पी एंड शी रिटन मी लॉन्ग लॉन्ग मैसेजेस। तो बहुत इफेक्टिव तरीका है, आजमाया हुआ है। आप वो एग को वहाँ रखिए और आपको बहुत बहुत इफेक्टिव होगा। अच्छा, एक बार आपने कंसीव कर लिया समझो, तो वो एग को आपको किसी भी पेड़ के नीचे खड्डा खोद के गाड़ देना है, ठीक है। कंसीव करने के बाद वह एग रखना मत। अगर आपके हस्बैंड की साइड से, हस्बैंड या वाइफ किसी की भी साइड से प्रॉब्लम या दोनों की तरफ से प्रॉब्लम है, तो आप दो एग रखिए, एक उनके लिए एक अपने लिए, उनको भी वही प्रोसीजर करना है, ठीक है। आप दोनों दो एग रख सकते, नहीं तो एक ही रखिए, ठीक है। अब जो उसके बाद का उपाय है वो है इमोशनल हीलिंग का। अगर आपकी कोई भी इनर चाइल्ड प्रॉब्लम हो या कहीं भी किसी इमोशनल ब्लॉक की वजह से आप यू कांट हैव अ चाइल्ड, बच्चा हो नहीं रहा, मेंटली भी होती है ना कई चीजें, तो लोबान का पीस या लोबान का तेल, कोरिएंडर सीड्स, धनिए के सीड्स आते हैं ना, कोरिएंडर सीड्स, और फेनल ऑयल आता है, मिलता है अमेजोन पे सब कुछ, फेनल ऑयल, लोबान, धनिए के सीड्स, कोरिएंडर सीड्स, तीनों मिला करके आप रखेंगे अपने पिलो के नीचे। इसको आप हाथ में लेंगे रोज रात को, फील करेंगे फ्रॉम योर हार्ट चक्रा टू योर बूम चक्रा। फील करने के बाद आपका जो भी इशू है, पास्ट इशू, वो धीरे धीरे आप जाके थोड़ी सी हीलिंग होगी उससे, एंड आपके ब्लॉक्स खुलेंगे और आपका कंसेप्शन में आपको इजी होगा। ये कुछ उपाय मैंने लिख के रखे थे आप लोगों के लिए और मैं शेयर करना चाहती थी, बिकॉज जैसे आपको पता है मैं हर चीज़ बहुत सिंपल बनाती हूँ, सिंपल ब्रेक डाउन करके लेके आती हूँ नीचे, ताकि आप इजीली कर सको और आपको इफेक्टिव भी हो, ठीक है। तो मुझे बताइए और क्या वीडियोस बनाओ आपके लिए, सजेशन दीजिए, ज़रूर बनाऊंगी। और जाके मेरे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, बहुत सारे वर्कशॉप्स आ रहे हैं मेरे, नेक्स्ट मंथ वूम हीलिंग आ रहा है, बहुत सारा और मैं करने वाली हूँ। तो जाके फेसबुक लाइक कीजिए, इंस्टाग्राम लाइक कीजिए, ट्विटर लाइक कीजिए, और मेरे इस चैनल को आगे बढ़ाइए, शेयर कीजिए फ्रेंड्स और फैमिली के साथ, और मुझे प्लीज़ ईमेल या कॉल कीजिए पर्सनल पेड अपॉइंटमेंट्स के लिए। दैट्स ऑल फॉर टुडे, गुड बाय, गॉड ब्लेस, बाय बाय।